हुकूमत ने तो इस दफा बहुत ज्यादा हमारी अब आप शायद इस सीरियस इशू के बाद मेरे फेस क्रीम्स और मेकअप को डिस्कस करने वाले हमारे इस हुकूमत ने हमारा इंपोर्टेड आइटम्स बैन कर दिए, सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बैन कर लिए, ये सबसे बड़ा इशू है। और अगर ये प्रोडक्ट्स ना हो तो हमारी खवातीन कहाँ जाएंगी, उनका तो जीना दो भर हो जाएगा, शायद घर से भी ना निकल पाए, लेकिन बुरका जरूर पहनना शुरू कर देंगे मुझे लगता है। फिर ये नहीं, ऐसा नहीं, हम सोल्यूशन लेके आए हैं अपनी आवाम के लिए, हम खवातीन को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ मेरी बहनों, इसीलिए हम लेके आए हैं आपके लिए सोल्यूशन। और सोल्यूशन बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है द फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट, ने आपने पहले ही मेरे शोज में देखा है, बहुत अच्छी बातें बताती हैं, बहुत तरीके से आपको गाइड भी करती हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं डॉक्टर आयशा हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आयशा? वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच, काफी अरसे बाद मुलाकात हुई आपसे। लेकिन ब्यूटी प्रोडक्ट्स बैन हुए तो हमें आपकी याद आई और शिद्दत से याद आई, तो बताओ भाई क्या क्या करें आयशा कि सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बैन हो गए हैं। और जो हकीकत बात है कि मेजॉरिटी, अगर मैं कहूँ, जिसके पास शायद अफोर्डेबिलिटी का भी इशू होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो महीने दो महीने में पैसे अपने थोड़े बहुत बचा के, सेविंग्स करके, खर्च करके वो एक अच्छे इंपोर्टेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेते हैं, चाहे वो आपका फेस फाउंडेशन हो, क्लेंजर हो, मस्कारा हो, या बेसिक चीज़ों की अगर हम बात करें, प्राइमर हो, तो वो ज़रूर बाहर के ही शैम्पूज़ यूज़ किए जाते हैं। देखिए मेरा एजेंडा जो है, ऑब्वियसली मैं जिस पे बात करूँगी, मैं रियलिटी पे बात करूँगी। पहली चीज़ तो ये है कि जब आप इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स का नाम लेते हैं और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की तरफ आप जाते हैं, तो उसका रीज़न क्यों, आप क्यों जाते हैं? सिंपल इज़ दैट कि वो जो इंग्रेडिएंट्स आपको बाहर की प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, अनफॉर्चुनेटली यहाँ की प्रोडक्ट्स के अंदर वो इंग्रेडिएंट्स लोकल प्रोडक्ट्स में अवेलेबल नहीं होते। पॉलिटिकल टच तो नहीं देंगे, बट एक रियलिटी है, यू नो एवरीथिंग इज़ बिल्कुल हमसे इंटरकनेक्टेड होती है। तो कहने का मकसद ये कि पहले आप अपने कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज़ लगाइए, एम्प्लॉयमेंट्स दीजिए, और फिर आप इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को बैन करें, यू नो, तो आपको फ़ायदा भी हो। लेकिन अभी इस टाइम पर सूरत हाल जो है, उसमें बहुत सारे बिजनेसेस भी डिस्ट्रॉय होंगे। स्किन केयर प्रोडक्ट्स या स्किन केयर के ब्रांड्स तो शायद मिल जाएंगे, जैसे मुझ जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपने बिहाफ पर कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं फॉर्मुलेशंस डिज़ाइन किए हैं, बनाई हैं, वो तो आप किसी हद तक कंपनसेट कर लेंगे, आपको सीरम्स मिल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम आता है आपके मेकअप इंडस्ट्रीज़ के अंदर। आपके पास वो इंग्रेडिएंट्स जो कि ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी हो जाते हैं, यहाँ पे जितनी भी आप लोकल प्रोडक्ट्स देखें, अभी आप हम थोड़ी देर पहले ऑफर डिस्कस भी कर रहे थे, मस्काराज हैं, आप देखें आंखों के नीचे उसका पिगमेंट डिपॉजिट हो जाता है, बिल्कुल। फिर लोग उस प्रॉब्लम के साथ आते हैं कि बहुत हमें डार्क सर्कल्स हो गए हैं, ये जा नहीं रहे हैं। अच्छा, ये हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते कि हमें डार्क सर्कल्स, एक बड़ा रीजन ये भी है कि अगर आप मस्कारा सही से यूज ना करें, एग्जैक्टली, और जैसे आपने कहा कि उसकी पिगमेंट डिपॉजिट हो जाती है, तो उससे भी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, पिगमेंटेशन बन जाती है आपके चेहरों के ऊपर। और उसके साथ साथ ये कि अब ऐसे ही फाउंडेशन का भी है, फाउंडेशन का भी है, फाउंडेशन की भी, इवन के लिपस्टिक्स हैं, आप लोकल जितनी भी आप देखें, लिप्स डार्कनिंग होती है, एंड इट इज़ रियलिटी। आप उसको ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो आपको लिपस्टिक्स या आपको जो भी मेकअप मिल रहा है, उसकी जो कॉस्टिंग आती है, कंपनीज का भी फॉल्ट नहीं है, उसकी जो कॉस्टिंग्स हैं, उसको आप देखें, जो बाहर से आप ले रहे होते हैं, डेफिनेटली आपके इंग्रेडिएंट्स के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। सेकंड ये कि हम काम करते हैं कॉस्मेटिक क्लिनिक्स के अंदर, कॉस्मेटिक क्लिनिक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, आपके पास बोटॉक्सेस अवेलेबल नहीं है, आपके पास फिलर्स पाकिस्तान में नहीं बनते, आपके पास डिटॉक्सिफिकेशन की ड्रिप्स पाकिस्तान में नहीं बनती हैं, ये सारा इंपोर्ट आइटम है। अब क्या होगा जो लोग बोटॉक्स वगैरह करवाते हैं? ये होगा कि देखिए, हर किसी के पापा तो लंदन में नहीं रहते ना कि जाके आप घंटे की फ्लाइट लें और जाके वहाँ से बोटॉक्स फिलर कराकर आ जाएं। और रियलिटी ये है कि पहले मेरा ख्याल से हुक्मरानों को छोड़ना चाहिए, और हमारे माशाल्लाह से जो वज़ीर आज़म साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी एक हफ्ता पहले जाके अपना बोटॉक्स कराया था। तो कहने का मकसद ये है कि चीज रिवील हुई है कि एक हफ्ता पहले वो अपना उन्होंने करवाया बोटॉक्स, उसके बाद आके आप देखें माशाल्लाह बड़े फ्रेश लग रहे हैं। और तो कहने का मकसद ये है कि देखें, या तो फिर हुक्मरान इन तमाम चीज़ों को छोड़ें और फिर आप एक मिसाल बने, और मरियम साहिबा जो हैं वो मरियम नवाज, मुझे बताओ हमारा उनकी ब्यूटी पे बड़ी बात होती है। एग्जैक्टली, उनकी ब्यूटी बहुत ज्यादा, हम सब जानते हैं कि वो भी इन सब चीजों प्रोसीजर से गुजरते हैं, सब ने करवाए, सारे फिलर्स हो गए, बोटॉक्स हो गए, सब ने करवाया, जब भी आप स्टेज में इतने जवान और खूबसूरत नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल वहीं खड़ा है कि अब हम क्या करें, लाइक हम अगर 3 महीने के लिए फंस गए, आगे नहीं पता कि आगे कब तक ये चीज खुलेगी, प्रोडक्ट से बैन कब खत्म होगा, अभी हम क्या यूटिलाइज करें, किस तरह से अपनी स्किन का ख्याल रखें, अगर नेचुरल चीज़ों से क्या हम कुछ कर सकते हैं, या अगर हम मजबूर हैं, अगर हमें फाउंडेशन यूज़ करनी पड़ी है, मस्कारा यूज़ करना पड़ा, हमें लिपस्टिक्स यूज़ करनी पड़ी है, तो देखिए इट इज़ वेरी सिंपल, आप ये करें कि इसका बहुत अच्छा मैं आपको सोल्यूशन देती हूँ। हमारे पास हमारी जो लोकल कंपनीज हैं उसमें बहुत अच्छे सन ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं, जो कि जिसमें प्रॉपर वो इंग्रेडिएंट्स हैं। और क्योंकि सन ब्लॉक्स जो हैं वो आपको हमेशा, हम कहते हैं कि लोकल यूज़ करें, यहाँ का यूज़ करें, इसका रीज़न ये कि वो यहाँ के मुताबिक लोकल एक सन ब्लॉक का शैम्पू कहा जाता है कि वो यहाँ के मुताबिक बना हुआ होता है। अच्छा, उसकी आप एक लेयर अपनी स्किन पर ज़रूर लगाएं बिफोर मेकअप,
उसे क्या होता है कि आपकी जो स्किन है वो एक लेयर की प्रोटेक्शन दे देता है। जेल फॉर्म में हो तो ज्यादा बेहतर है, फिर उसके ऊपर आप मेकअप अप्लाई करें तो आपकी डायरेक्ट स्किन डैमेज नहीं होती। सेकंड ये कि बहुत सारे मार्केट में ऐसे क्लिंजर्स हैं जिसकी फॉर्मुलेशन मैं जेनेरिक बता देती हूँ। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप सैलिसिलिक बेस्ड फेस वॉशेज यूज करें, अगर आपकी नॉर्मल ड्राई स्किन है तो आप ग्लाइकोलिक या मेंडेलिक बेस जो है वो फेस वॉश कर सकते हैं। दो बार यूज करें, एक सुबह में और एक रात सोने से पहले, क्योंकि जब आप सारी चीजों से फ्री हो जाते हैं तो आपका सारा डिब्री रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। एक अच्छा आप स्क्रब रख लें बिल्कुल माइंड वाला, जिसको आप हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करें, और एक अच्छा सिरम रखें, अल्फा आर्बुटिन नियासिनमाइड ग्लूटाथियोन। ये बहुत कॉमन फॉर्मुलेशन है जो आपको पाकिस्तानी अच्छे ब्रांड्स के अंदर मिलती है। लेकिन हर्बल एक डिफरेंट चीज़ होती है एंड ये तमाम चीज़ें डिफरेंट होती हैं। सो किसी भी कंपनी का जब आप सर्च करते हैं पोर्टफोलियो, तो ये ज़रूर देखें कि उसके पीछे या तो कोई डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंडेशन हो, या फिर ऐसी कंपनी हो जो कि एक ब्रांड हो या मेडिकेटेड कंपनी हो पाकिस्तान की, तो आप उसकी प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। सही, और पीछे आप प्लीज बराए मेहरबानी जो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट होती है उसको जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें, जरूर। और पीछे एक कंपनी जब भी मैन्युफैक्चर्ड आता है तो मैन्युफैक्चर्ड बाय एक अच्छी रीनोन कंपनी का नाम भी होता है अच्छे ब्रांड्स के अंदर। अच्छे जो लोग, इवन के बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, उनके पीछे भी वो ब्रांड अपना वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन ऐसी लोकल प्रोडक्ट्स को ज़रूर अवॉइड करें जिसमें इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन नहीं होते, जिसमें ये भी नहीं पता होता आपको आप क्या लगा रहे हैं। पैकेजिंग से अंदाज़ा हो जाता है, खुशबू से अंदाज़ा हो जाता है, यू नो, कॉस्टिंग से अंदाज़ा हो जाता है आपको बहुत सारी चीज़ों का। उन चीज़ों को उन चीज़ों से अवॉइड करें। एग्जैक्टली, और ये ना करें कि अगर आपने ये चीज़ लगाई तो अच्छा मैं भी ये चीज़ अप्लाई कर लूँ। नहीं पता कि उनकी स्किन पे शायद वो सूट कर जाए, सस्ती चीज़ भी शायद सूट कर जाए लेकिन वो मेरी स्किन पे आके वो एक बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर दे, मेरी स्किन डैमेज कर दे, पिगमेंटेशन कर दे, या फिर कुछ भी हो सकता है। हाँ, और हमेशा जब आप एक लेयर लगाते हैं ना, तो आप आई एम श्योर कि हमारे पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे अच्छे लोग हैं जिन्होंने अच्छी कॉस्मेटिक्स जो है उसको अब इनिशिएट भी किया हुआ है, लेकिन अगेन कहीं ना कहीं अभी भी हमारे लैकिंग्स हैं। मैंने पर्सनली बहुत सारे रिनोन ब्रांड्स यूज किए हैं लेकिन मुझे प्रॉब्लम आता है जब मैं एक बाहर की जो प्रोडक्ट है, सेफोरा वगैरह की प्रोडक्ट्स हम सभी यूज करते आए हैं, जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं और यहाँ के हम उस पर जाते हैं तो डेफिनेटली डिफरेंस तो है। यू कैन नॉट में फर्क दिखता है, आप उसको कंपेयर या बैलेंस या तो वो जो पिछले 30-40 सालों में हमने किया है ना, अगर हमने काम किया होता और हमने वाकई तमाम चीज़ें की होती तो आई थिंक हम लोगों का आज बैन ना। अच्छा, लोगों ने कोशिश की है हमारा यहाँ पे भी कि वो इस तरह की प्रोडक्ट्स बना सके, पर्सनल बिहाफ। आप देखिए जितने लोग हैं, मैं बहुत अच्छे हमारे यहाँ के ब्यूटिशियंस भी हैं जिन्होंने इस चीज़ का आगाज किया, लेकिन अब देखिए पर्सनल बिहाफ पे, अब वो पर्सनल बिहाफ पे जितना हो सकता है, मिसाल के तौर पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने इंग्रेडिएंट्स को इम्पोर्ट करते हैं, जो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलती है उसके भी तो इंग्रेडिएंट्स इम्पोर्ट किए जाते हैं। अब यही मसला है, आप इंग्रेडिएंट्स को भी आपने बैन कर दिया, वो इम्पोर्ट नहीं हो सकते, तो बताए ना, आपने इंडस्ट्रीज भी नहीं दी, आपने लोगों को कुछ भी नहीं दिया और एंड में आके आपने चीज़ों को बैन कर दिया, आपका तो कंट्री पीछे की तरफ जाएगा। और इंटरनेशनली हम बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पास बहुत सारे वेंडर्स हैं जो इंटरनेशनली होते हैं, इटली के बहुत सारे लोग हैं, यूरोप के बहुत सारे लोग हैं, अब हम उनको कहते हुए कितने बुरे लगते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर चीज़ें इम्पोर्ट बैन है, हम आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकते। सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग इम्पैक्ट, एक तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आप दे रहे हैं दुनिया को, और सेकंड ये कि आप इस टाइम पे हेडलाइन बने हुए हैं दुनिया भर के इंटरनेशनल चीजों पे कि तो पाकिस्तान ने इंपोर्ट के ऊपर बैन कर दिया, इट्स अ नेगेटिव इमेज आपकी जितनी। अच्छा, इतना भी नहीं हुआ है हमारा कि अगर कोई अपने साथ भी लाना चाह रहा है ना, जैसे किसी से आपने किसी रेफरेंस के थ्रू पर्सनली मंगवा ले, किसी पर्सनल लगेज में रख के, तो भी साथ लाने नहीं दिया जा रहा है, इनफैक्ट चॉकलेट्स तक नहीं लाने दी जा रही है, कोई बाहर से कोई अपनी फैमिली आ रही है ऐसा लग रहा है कोई एजेंडा है। हां, शैम्पू चॉकलेट्स भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नो, आप नहीं ला सकते किसी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए नहीं ला सकते, लाइक इतनी स्ट्रिक्टनेस क्यों आप, इतना तो आप। मेरा एक सवाल है वैसे, आप लोग माशाल्लाह डेली यहाँ पे, ये तमाम इम्प्लीमेंटेशन उन लोगों के लिए भी होंगी जो सीट से बैठे हैं? ये सवाल तो हमारा भी है, हमारा मुझे लग रहा है कि ये सवाल यही रह जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन उनके लिए हो ही नहीं सकती, जैसे कि आपने कहा कि हमारा के हर किसी के पापा तो लंदन में नहीं बैठे हुए कि एक फ्लाइट पकड़ के चले जाएं। खैर, बहरहाल ये चीजें तो ये सवाल चलता ही रहेगा, ये सवाल मेरे ख्याल से ऐसे ही रहेगा, इसका जवाब हमें नहीं मिलेगा। लेकिन थैंक यू सो मच हुमैरा, आपने हमें बताया कि हम लोकल भी किस तरह से चीज़ें देख के, इंग्रेडिएंट्स देख के हम प्रोडक्ट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, और इसी के साथ ही वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है।